दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मकड़ियाँ इंसानों जितनी बड़ी होती तो हमारा क्या होता? क्योंकि सभी मकड़ियाँ छोटी नहीं होती, इनमें कुछ खतरनाक और जान लेने वाली भी होती है। इनकी संख्या हमारी धरती पर इतनी ज्यादा है कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। इन सभी को मिलाकर इनका वजन करीब 2.5 अरब किलो होगा, जिसके खाने का वजन उनसे 30 गुना ज्यादा होता है। मतलब वो हर साल लगभग 725 मिलियन वजन तक खाना खा जाते हैं। अब सोचो कि अगर मकड़ियाँ इंसानों जितनी बड़ी होती तो धरती का क्या होता? शायद आप अपने आप को गीली और चिपचिपी जगह पर पाते और हर समय आपको मौत से लड़ना होता। क्योंकि अगर छोटी मकड़ियाँ इंसानों को मार सकती है तो बड़ी मकड़ियाँ तो आपको जिंदा निकल जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बघेरा कीपिंग इकलौती ऐसी मकड़ी है जो पेड़ पौधे खाती है और लगभग बाकी मकड़ियाँ मांसाहारी होती है। जब आप घर से बाहर देखोगे तो आपको हर तरफ मकड़ी के जाल दिखाई देंगे। हो सकता है कि उनमें इंसान भी फंसे हुए दिख जाए, लेकिन जब जाल वाइब्रेट होने लगे तो आप समझ जाना कि कोई मकड़ी नजदीक आ रही है। इस दौरान हम ऐसे युद्ध के बीच होंगे जहां लोगों को मकड़ियों से लड़ना होगा। यहां तक कि आर्मी को बॉर्डर की रक्षा करने के बजाय उन लोगों को बचाना होगा जो मकड़ियों के जाल में फंस गए। वैसे इस बड़े जाल से बचने का एक रास्ता है। अगर आप किसी जाल में फंस गए तो आप अपने कपड़े उतार कर आसानी से बाहर निकल सकते हो। और हाँ, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अपने पास हमेशा हथियार रखे ताकि आप उन जाल को काट सको। क्योंकि हाथों से उन जाल को तोड़ना एक मोटी रस्सी को तोड़ने जैसा है। अगर आप सोचते हो कि आपको सिर्फ मांसाहारी या फिर जहरीली मकड़ियों से ही खतरा होगा तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर वो भूखी भी ना हो तो भी आप उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। इसीलिए आपको हर समय अपनी आंखें खुली रखनी होगी कि कोई मकड़ी आपके ऊपर से तो नहीं गुजर रही। ये तो आप जानते हो, इंसानों के सिर्फ 2 पैर होते हैं लेकिन मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। इसका मतलब है कि उनसे लड़ते समय उनसे जीत पाना काफी मुश्किल होगा। और मकड़ियां इंसानों से तेज भी दौड़ पाएगी, इसलिए उनसे तेज दौड़कर दूर भाग जाना मुश्किल होगा। इसलिए आपको उनसे लड़ने के लिए हमेशा हथियार रखने होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मुझे सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए, जिसे देने में सिर्फ आपको 1 सेकंड लगेगा। और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।